मेरे गम का न लेकिन सवेरा हुआ। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफी साहब ने अनु मलिक साहब के संगीत में भी अपनी आवाज़ दी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने ज़माने के तकरीबन जितने भी संगीतकार थे सभी के साथ काम किए हैं, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अनु मलिक साहब के संगीत में भी अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस टाइम पर अनु मलिक साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दी, उस टाइम अनु मलिक साहब का स्टार्टिंग करियर था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अनु मलिक साहब ने 1978 की फिल्म हंटर वाली से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, और इसी फिल्म के बाद एक और फिल्म आई थी और उसी फिल्म में ही अनु मलिक साहब के संगीत में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है पूनम और ये फिल्म जो है वो 1981 में रिलीज़ हुई थी। वैसे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये फिल्म जो है वो राज बब्बर और पूनम ढिल्लो जी की पिक्चराइज फिल्म है। और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अनु मलिक साहब के संगीत में 3 गीत गाए। आइए, कौन कौन से गीत है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस फिल्म का पहला गीत है आ जरा मेरे हमनसी, और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने राज बब्बर साहब के लिए अपनी आवाज़ दी और बहुत ही बढ़िया संगीत अनु मलिक साहब ने दिया और लिरिक्स हसरत जयपुरी साहब ने। और दोस्तों, इस फिल्म का दूसरा गीत है लगी लग जाए ए लोगो, और इस गीत को भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता सुधीर साहब की अपनी आवाज़ दी और गीत के बोल लिखा अनजान साहब ने। और इस फिल्म का तीसरा गीत है मोहब्बत रंग लाएगी, और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और चंद्रानी मुखर्जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी और यह गीत पिक्चराइज हुआ राज बब्बर और पूनम ढिल्लो पे। और दोस्तों, इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी साहब ने। और बस ये 3 ही गीत इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अनु मलिक साहब के संगीत में गाया, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, यही फिल्म है पूनम, और इसी फिल्म में ही अनु मलिक साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की जोड़ी ने एक साथ काम किया है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और पूनम फिल्म के बाद फिर क्या था, अनु मलिक साहब ने ऐसी बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें संगीत दिए और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए। तो दोस्तों, आप लोगों को अनु मलिक साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की जोड़ी जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए।